राजस्थान में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है और अगले चार दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की रफ्तार तेज होने वाली है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव और मानसून ट्रफ लाइन के चलते प्रदेश में अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बदले दबाव के कारण मानसून का प्रभाव उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन दक्षिणी क्षेत्र में होते हुए जैसलमेर और कोटा से गुजर रही है। इसी तंत्र के चलते अगले चार दिन में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। रविवार को कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में पाँच दिन बाद बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश झालावाड़ में 60 मिमी और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में भी 60 मिमी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलौदी और फतेहपुर में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रहा, जिससे लोग गर्मी से परेशान रहे। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर और झुंझुनू में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में जुलाई के 21 से 22 को मानसून की रफ्तार बढ़ने से कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। आज अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, बूंदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, बाड़मेर, चूरू और बीकानेर में हल्की बारिश के आसार हैं। 23 जुलाई को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर और चूरू में भारी बारिश की संभावना है। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और सिरोही में हल्की बारिश हो सकती है। 24 जुलाई को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और चूरू में भारी बारिश की संभावना है। भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और बीकानेर में हल्की बारिश के आसार हैं। 25 जुलाई को अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बाड़मेर और बीकानेर में हल्की बारिश हो सकती है। तो राजस्थान के वासियों, तैयार हो जाइए मानसून की इस नई रफ्तार का आनंद लेने के लिए। अगले कुछ दिनों में बारिश का लुत्फ उठाएं और मौसम की हर जानकारी के लिए जुड़े रहें। सुरक्षित रहें और अपने आसपास के मौसम पर नजर रखें। लोकल 18 के लिए जयपुर से काजल मनोहर की रिपोर्ट।